उत्तराखंड में पंचायत चुनाव खत्म होने के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां जिला पंचायतों में कब्जे को लेकर जोड़ घटान लगा रही हैं और निर्दलीय सदस्यों को साधने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत ने कांग्रेस बीजेपी दोनों ही पार्टियों का गणित बिगाड़ दिया है। जो 12 हमारे इस समय जिले हैं, उन जिलों का गठन हम लोग स्वयं अपने बूते पर कर लेंगे। हमारे अध्यक्ष 12 जिलों में होंगे। 70-80% सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। अगर श्रीनगर विधानसभा की बात करें, इनमें 10 जिला पंचायत सदस्य हैं, उनमें से 6 कांग्रेस के हैं, 2 निर्दलीय हैं और 2 लोग भाजपा के जीते हैं। सबके अपने दावे हैं, कांग्रेस के भी बीजेपी के भी, लेकिन पंचायत चुनाव के नतीजे बताते हैं कि हकीकत इसके ठीक उलट है और ये सारी कवायद उसी को लेकर है। उत्तराखंड के 12 जिलों में हुए पंचायत चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद अधिकांश सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया। लिहाजा अब दोनों दलों की कोशिश निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने पक्ष में लाने की है और उन्हीं के आसरे जिला पंचायत में अपनी सरकार बनाने की कोशिश। पंचायत चुनाव में सभी जनपदों में अध्यक्ष हमारे बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख हमारे मैक्सिमम बनेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो विजय है, ये विजय ऐसी है जिसको लेकर हम लोग पहले ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश प्रत्याशी जीतेंगे, उनके समर्थित लोग जीतेंगे और यही हुआ है। निर्दलीयों की संख्या अगर हम देखें तो निर्दलीयों में भी अधिकांश वही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के रूप में, जिन्हें हम नहीं अपने समर्थित उम्मीदवार बना पाए, वही जीते हैं जो निर्दलीय में अधिकतर। तो इस प्रकार से पूरे जनपदों में भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे। अब देखिए पंचायत चुनाव में किस जिले में क्या स्थिति रही। टिहरी जिला पंचायत की कुल 45 सीटें हैं, 17 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस, 24 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार। पौड़ी जिले में कुल 38 सीटें हैं, 11 बीजेपी ने जीती, 13 कांग्रेस ने जीती, 14 पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी घोषित हुए। चमोली की 26 सीटों में से बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 9, बाकी की 9 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। उत्तरकाशी में बीजेपी के हिस्से में महज 3 सीटें आईं, कांग्रेस के पास 4, बाकी की 18 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। रुद्रप्रयाग की जिला पंचायत सीट की 18 सीटों में से 5 बीजेपी के खाते में गईं, 2 कांग्रेस, जबकि 11 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती। देहरादून की 30 में से 23 सीटों पर चुनाव हुआ, 13 बीजेपी ने जीती, 5 कांग्रेस ने जीती और निर्दलीय उम्मीदवार भी 5 सीटों पर विजयी घोषित हुए। उधम सिंह नगर की 35 सीटों में 11 सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, कांग्रेस 7 सीटों पर सिमट गई, बाकी की 17 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। पिथौरागढ़ में 33 में से 11 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की, नैनीताल में 27 में से 17 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों की विजय हुई, चंपावत में 6, बागेश्वर में 5, अल्मोड़ा की 8 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का कब्जा रहा, जिस पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। दोनों ही दल इन आंकड़ों को अपने अपने तरीके से पेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लोगों के सामने ये डबल इंजन सरकार की जो खोखले वादे हैं वो लोगों के सामने आ रहे हैं। इसके प्रतिफल के रूप में आपने श्रीनगर का नगर निकाय चुनाव देखा, जिसमें कांग्रेस ने एक भारी जीत दर्ज की थी और उसके बाद आज उसके द्वितीय चरण में आप आज नगर पंचायत वो जो पंचायतों में हुए चुनाव हैं, देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत अच्छी मार्जिनों से और लगभग 70-80% सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हैं। निर्भर भी नहीं है ना खेल बिगाड़ा है, वो लोग गए हैं लेकिन स्वयं ही उन लोगों ने अपनी तरफ से हम लोगों को समर्थन दे दिया है कई जगहों पर। उनके संदेश आए हैं हमारे जिला अध्यक्षों के पास और हमारे सीनियर लोगों के पास, हमारे विधायक और माननीय सांसदों के पास, कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं। तो हमारे पास भी जब उनके खबर आती है हमारे लोगों की, तो हमने उनको ओके कर दिया है। बहरहाल उत्तराखंड में जिला पंचायतों में किस दल की या फिर सत्ता में कौन काबिज होगा, ये इसकी चाबी निर्दलीय सदस्यों के पास है, क्योंकि सिर्फ 5 जिले ऐसे हैं जहां सत्ताधारी बीजेपी नंबर 1 की पोजीशन तक पहुंची है।
हालांकि पर्याप्त संख्या बल इन जिलों में भी बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी को इन जिलों में भी निर्दलीय सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, जबकि कांग्रेस किसी भी जिले में नंबर एक की पोजीशन तक पहुंच नहीं सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।